हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को थंबनेल देखकर समझ गए कि मैं आज इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अगर न्यू यूट्यूबर्स हैं या फिर अगर आपको पता नहीं है कि आप अपने वीडियो पे एंड स्क्रीन कैसे लगाएं और एंड स्क्रीन से क्या फायदा होता है और इसे कैसे लगाया जाता है। तो मैं सबसे पहले फायदे की बात करूंगा कि इससे क्या फायदा होता है। इससे यही फायदा होता है कि अगर आप अपने वीडियो अपलोड किए और वीडियो बनाए और अपलोड कर दिए, जब आपका वीडियो कोई भी ऑडियंस आपका वॉच करता है, तो जब वीडियो का लास्ट करता है तो आप बगल में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि इस तरह से और के लोग के वीडियो पे मतलब शो करता है, यानी कि उन्हीं लोग का वीडियो अगर मतलब वीडियो पे शो करता है लास्ट में। तो आप इसी तरीके से आप अपना एंड स्क्रीन कैसे लगाएं, इसे को एंड स्क्रीन कहते हैं कि एंड स्क्रीन कैसे लगाते हैं। अगर आप अपने वीडियो पे एंड स्क्रीन लगाएंगे तो अगर आपका ऑडियंस आपके वीडियो को वॉच करेगा तो जब वीडियो खत्म होगा तो आप ही का वीडियो वहां पे ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। और प्ले होने से यही फायदा है कि आपके वीडियो पे व्यूज आएंगे और वॉच टाइम भी, यानी कि आपके अगले वीडियो पे भी आ जाएंगे। तो एंड स्क्रीन लगाने का यही प्रमुख फायदे हैं, इससे यही फायदे होते हैं एंड स्क्रीन लगाने से। तो मैं आज इस वीडियो में पूरी डीपली में आपको समझाएंगे कि आप अपना एंड स्क्रीन कैसे लगा सकते हैं, पूरे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताएंगे कि आपको एंड स्क्रीन कैसे लगाया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो आपको टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूं। तो चलिए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड, हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं दोस्तों, और आने के बाद सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउजर में ओपन करेंगे, आप वहाँ पर सर्च करेंगे वाई टी स्टूडियो। देखिए, मैं सर्च किया हूँ और आपको भी सर्च करना वाई टी स्टूडियो डॉट कॉम। सर्च करने के बाद आपको अपने वाई टी स्टूडियो को लॉग इन कर लेना है अपने क्रोम ब्राउजर में। तो देखिए, मेरा ओपन हो रहा है, थोड़ी सा आपको वेट करके चलना है क्योंकि मेरा नेट भी स्लो चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ओपन होने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे सिंपली सा इसको कट कर देना है, यानी कि इसको कट कर देना है। होने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर वीडियो वाले सेक्शन पर चले आना है। सेकेंड वाले पे ऊपर से सेकेंड वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो सेक्शन में चले जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जितना सारा वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर, यहाँ पर आपका शो करेगा। तो आपको जिस वीडियो पे एंड स्क्रीन लगाना है उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरफ में यहाँ पे लिखा हुआ है एंड स्क्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एंड स्क्रीन, आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब उस पर क्लिक करेंगे तो पूरे इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएंगे आपके फ़ोन स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप चार तरीके से अपने वीडियो पे एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। यहाँ पे एक सिंगल है ऊपर वाले में, फिर सेकंड वाले में भी सिंगल है, और यहाँ पे लास्ट वाले में डबल है, यानी कि एक बार में दो वीडियो को लगा सकते हैं अपने एंड स्क्रीन में। तो चलिए मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे लगाना है। तो मुझे सिंगल वाले पे लगाना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा शो करने लगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा पहले से लगाया हुआ है, तो जैसे कि मुझे अब दूसरा लगाना है तो मैं इस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे वीडियो पे, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पूरे सारे वीडियो आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे कि आपको किस वीडियो को एंड स्क्रीन में लगाना है। तो जैसे कि मुझे इस वाले वीडियो को लगाना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा वो वाला वीडियो चेंज हो गया और ये वाला लग गया, यानी कि मैंने जिसको अभी सेलेक्ट किया वो यहाँ पर एंड स्क्रीन में लग गया, और एक गोला में आपका चैनल का लोगो शो करेगा। तो आपको ऐसे सेट कर लेना है अपने एंड स्क्रीन को, और यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है सेव, आप इस वाले सेव पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यही रहा आपका एंड स्क्रीन लगाने का प्रोसेस, बिल्कुल आसानी तरीका है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इस तरीके से एंड स्क्रीन लगा सकते हैं अपने वीडियो पे और व्यूज भी ला सकते हैं अपने वीडियो पे। तो आप इस तरीके से एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक्स और कमेंट्स और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ऐसे वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड देता रहूँ। तो ठीक है, आपसे मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।